नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। प्रसिद्ध हास्य धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उत्तराखंड की बेटी नजर आने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूल रूप से राज्य के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील क्षेत्र के चक्करपुर की रहने वाली लक्ष्मी मेहता की, जो इस प्रसिद्ध हास्य धारावाहिक में पत्रकार पोपट लाल की दुल्हनिया बनने जा रही है। अगर आप इस धारावाहिक को देखते होंगे तो आप पत्रकार पोपट लाल और उनकी सबसे बड़ी समस्या से भी परिचित होंगे, लेकिन अब पोपट लाल की यह समस्या खत्म होने जा रही है। आखिरकार लंबी मशक्कत और दुनिया भर में खोजबीन के बाद पोपट लाल को रिश्ता मिल ही गया और मधुबाला के रूप में खटीमा की लक्ष्मी मेहता उनसे शादी करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है इस रिश्ते के होने के बाद इस धारावाहिक के अगले एपिसोड में दर्शकों को अलग ही अंदाज की कहानियां देखने को मिलेंगी। वहीं अगली खबर राज्य के बागेश्वर जिले से सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पास से करूली निवासी एक युवक ने सरयू नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद दो युवकों की मदद से पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मिली जानकारी के अनुसार मोहित लाल साह ने रविवार की शाम को नदी में छलांग मार दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचित किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी राहत बचाव के लिए तत्काल नदी से युवक को बाहर निकाला, तो वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फायर पुलिस की टीम ने युवक को रेस्क्यू कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सामान्य है। इसके अलावा तीसरी खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां शहर में पेड़ों की कटाई छटाई और बिजली के पोल शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में आज बरेली रोड से आने वाली सभी बड़े वाहन को तीन पानी तिराहा से डाइवर्ट होकर गौला बाईपास होते हुए काठगोदाम की ओर भेजा जाएगा, जहां से वे अपने गंतव्य को जाएंगे। वहीं रामपुर रोड से आने वाले और पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले सभी बड़े वाहन टीपी नगर से डाइवर्ट होकर होंडा शोरूम तिराहा होते हुए तीन पानी बाईपास तिराहे से काठगोदाम की ओर भेजे जाएंगे। इसके अलावा रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी से बरेली रोड की ओर जाने वाली सभी रोडवेज और सिटी बस केमू स्टेशन से ताज चौराहे होते हुए गौला पुल से अपने गंतव्य को जाएंगे और रोडवेज स्टेशन से बरेली रोड को जाने वाली सभी छोटे वाहन सिंधी चौराहे से ITI FTI तिराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो वहीं आखिरी खबर मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें उत्तराखंड में आज भारी से बहुत भारी और अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, और ऐसे में तीन जिलों के लिए रेड, चार में ऑरेंज और तीन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही बाढ़, भूस्खलन, भू कटाव और भू धसाव जैसे हालात पैदा होने की आशंका भी जाहिर की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 25 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बताया जा रहा है कि चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर रेड अलर्ट रखा गया है और पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट है। तो वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है, जिसको लेकर यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।